बात अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की। दरअसल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान के तहत दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर परिसर पर पहुंचकर साफ सफाई की। उन्होंने कहा, देशवासियों का 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। पूरा देश विशेषकर भगवान राम के भक्त उत्साहित है और इसे ऐतिहासिक आयोजन के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों से मंदिरों में स्वच्छता अभियान शुरू करने का आग्रह किया है और हर कोई इसमें योगदान देने की कोशिश कर रहा है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कनॉट प्लेस पहुंचकर मंदिर परिसर की साफ सफाई की है। इस दौरान उन्होंने भगवान हनुमान का आशीर्वाद भी लिया है। आज एक राममय माहौल हुआ है। ये वातावरण जो है, ये राम भक्तों के लिए, भारतीयों के लिए कैसा है कि हर कोई अपनी ओर से कुछ ना कुछ सेवा भाव से कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अनुष्ठान रखने की बात की थी और हम सब लोग स्वच्छता अभियान मंदिरों में, धार्मिक स्थलों में, धामों में कर रहे हैं और जिसको जहां अवसर मिलता है जिस भाव से करना चाहता है कर रहा है। तो मैं भी नई दिल्ली के एक बहुत ऐतिहासिक मंदिर हनुमान जी के मंदिर जहां मुझे वर्षों वर्षों से आने का अवसर मिला, आज वहां स्वच्छता अभियान में एक बार फिर जुड़ने का अवसर मिला। मैं देशवासियों से भी कहना चाहता हूं, अपने आसपास का कोई भी धार्मिक स्थल, कोई भी धाम है, कोई भी मंदिर है, आप उसकी स्वच्छता जरूर करें। और एक मेरा अनुभव यहां पर जो आया कि कुछ लोग चाय पीते हैं, कुछ खाते हैं, जहां दिल करे वहीं फेंक जाते हैं, कृपया करके उसको कूड़ेदान में जरूर फेंकें।